खबर मेहर से, जहां वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारी परेशान हैं। न्यू रामनगर परिषद में कार्यरत कर्मचारी और स्थायी कर्मियों को पिछले 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन में ईपीएफ की कटौती किए जाने के बाद भी उनके खातों में जमा पैसे नहीं कराए गए। इसके नाराज होकर नगर परिषद के करीब 140 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सोमवार को सभी कर्मचारियों ने तहसीलदार अनुराग मरावी को ज्ञापन दिया। उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले। हम लोगों की कर्मचारियों की 5 महीने से वेतन नहीं मिली और 3 साल से हो गया। 5 महीने का वेतन दबा के 1 महीने का दिया जाता है और कुछ कर्मचारियों का ईपीएफ की कटौती होती है, तो 2022 से वो बंद है। वो पैसा कहाँ गया इसकी कोई जानकारी नहीं। कहने पर जो है तो सीएमओ द्वारा डांट के वहाँ से भगा दिया जाता। रामनगर के नगर परिषद के कर्मचारी आ जाए हैं, इसमें दैनिक वेतन भोगी जा रहे हैं, उनकी वेतन संबंधी जो विसंगति है या फिर उनको वेतन समय पे नहीं मिल पा रहा है, इस संबंध में ज्ञापन और पिछले 1 सप्ताह पुराना जो एक आवेदन था उसके बारे में मैं दिया है अनशन के संबंध में। तो जो भी उनकी मांग को हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनकी शिकायत को उचित माध्यम से संबंधित अधिकारी तक पहुँचाएंगे ताकि उनका निराकरण हो सके। मैहर जिले के नगर परिषद न्यू रामनगर के कर्मचारी इन दिनों वेतन की मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल 5 माह से इन्हें वेतन नहीं मिला, इसी के चलते टेंट लगा करके ये टेंट के नीचे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर इनको 5 माह से वेतन नहीं मिला है, उसी को लेकर के आज इन्होंने ज्ञापन भी दिया है और ये अपनी मांगों को लेकर के आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताइए क्या कारण है कि हड़ताल पे हैं आप? हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है। समय समय पर हम सारे नगर पालिका के अधिकारी को अवगत कराते रहते हैं। हमने आवेदन के माध्यम से भी उनको सूचना दी कि हमारा समस्या का निराकरण किया जाए। विगत 5 माह से हम लोगों के आर्थिक पार्थिक समय की भुगतान नहीं किया गया, जिससे समस्त कर्मचारी अत्यंत गंभीर स्थिति में आदि बाल बच्चे उपस्थित करके असर पड़ रहा है। कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ काट लिया जाता है लेकिन उनके खाते में ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किया जाता है। 2 वर्ष हो गए, जून 22 से आज तक ईपीएफ का पैसा नहीं जमा किया, आखिर वो पैसा जाता था। इसलिए भी एक बड़ी विकट समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। इसलिए हम लोग सब ज्ञापन देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समस्या जल्द से कुछ और कर्मचारी, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कर्मचारी कुर्सी लगा करके और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। कुछ और कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनसे बात करते हैं। बताइए क्या मांगे हैं प्रमुख आपकी और किन कारणों से आप हड़ताल करनी पड़ रही है आपको? हम लोगों की 5 महीने की वेतन नहीं मिली, हमें 5 महीने का वेतन चाहिए। 3 वर्ष से हो गया, 5 महीने का वेतन दबा करके और सीएमओ द्वारा जो है तो 1 महीने का वेतन दिया जाता। कई बार हमने सीएमओ से निवेदन किया है, हाथ जोड़ के विनती किया, चरौली किया कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो रोज कमाते और खाते हैं पर उनके द्वारा कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और न ही आज तक हम लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इसी तरह ईपीएफ का पैसा कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कट जाता है जब वेतन जाती है, तो पर वो पैसा उनके खाते में नहीं जाता, वो पैसा कहाँ जाता है कोई जानकारी नहीं देने वाला। कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी? ये जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार कर्मचारी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये हड़ताल पर हैं। धर्मेंद्र वर्मा, NDTV मैहर।